बैरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने वर्तमान जिला पंचायत सदस्य व पूर्व जिला पंचायत सदस्य के गाड़ी पर बुलेट सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गोली लगने से मौत हो गई, वह जबकि वर्तमान जिला सदस्य प्रतिनिधि गोली लगने से घायल हो गया है। बैरिया कस्बा में चिड़िया मोड़ की घटना बताई जा रही है, जहां आज बुधवार की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य जनेश्वर की 35 वर्ष तथा वर्तमान जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि संबल सिंह 50 को बदमाशों ने गोली मारी। जानकारी के मुताबिक बुलेट सवार बदमाशों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने दोनों को CSC सोन वर्षा पहुंचाया। मौके पर पुलिस पहुंची। बलिया से अंगद कुमार रावत की रिपोर्ट। मैं आपका, मेरा नाम समीर अली है। कहाँ, ये कौन सी जगह है? ये चिरैया मोड़ है, निराज मोड़ के बीच में मेरा घर है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जलेसर सिंह की गाड़ी आगे रुकी और पीछे से दो बाइक वाले आए और बस उन पर फायरिंग होने लगी। कितने थे, कितने लोग थे? बाइक पे दो लोग बैठे हुए थे और एक उतरा और फायरिंग करने लगा। आज जब फायरिंग करने के बाद वो लोग बलिया के रोड की तरफ चले गए। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? लगभग 8 फायरिंग। और ये लोग किस गाड़ी से थे? जलेसर, जलेसर सिंह, ये 4-व्हीलर ब्रेजा। कौन कौन थे? जलेसर सिंह और क्या नाम है। आज बैरिया में गोली चली है, एक युवक की मौत भी हो गई है, एक घायल भी है। बहुत ही दुखद घटना है और बाबा की धरती पर जो है यह इस तरह का जो है इस तरह की घटना लगभग 10 वर्ष बाद हुआ है। जी, ये बहुत दुख है और इसका तत्काल जो है प्रशासन से मैं ये कहता हूँ कि तत्काल जो है इसका जो है पर्दाफाश होना चाहिए और दोषी लोगों को दंड मिलना चाहिए और कोई बचेगा नहीं जो भी इस घटना में शामिल होगा।